हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता, वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। मेनली बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि E1 और E2 ग्रुप का होता है, डी फार्मा और पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए, ठीक है। तो जो उसमें से फ्रेंड्स आपको PCB और PCM चूज करना होता, अगर आप लोग डी फार्मा करते हो तो आपको PCB चूज करना होता, और अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो PCM, ठीक है, मैथ। तो अगर इसका जो फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स, अभी 10 मई तक डेट है, मतलब डेट तो बहुत पहले आ चुकी थी, बट फॉर्म कम फिल होने के कारण अभी डेट बढ़ा दी गई 10 मई तक। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो अभी आप लोग 10 मई तक कर सकते हो। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम तो अभी मुझे लग रहा है जून लास्ट तक या उसके बाद चुनाव के बाद ही हो, ठीक है। पहले अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, 10 मई के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आना होगा तो आएगा। बाकी यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी तैयारी की बात करें फ्रेंड्स, तो जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए जितने भी वीडियोज मैंने चैनल पर अपलोड किए हैं, ACUT वाले नहीं, जो इसके पहले भी वीडियोज हैं, जो कि अरियंत की बुक से मैंने प्रिपरेशन कराई है, तो उससे आप लोग अगर प्रिपरेशन करते हो तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर सारी वीडियोज को ही बस देख लोगे, आप लोगों को रट्टा वगैरह नहीं मारना है, बस आपको वही वीडियोज को देखकर MCQ सॉल्व कर लोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा एग्जाम E1 ग्रुप या E2 ग्रुप, ठीक है। और आपका अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, थोड़े गवर्नमेंट कॉलेज इसमें कम है, बट आपको मिल जाएंगे अच्छे कॉलेज अगर आप अच्छे सीरियसली मेहनत कर देते, क्योंकि सीटें इसमें हैं और अभी फॉर्म भी बहुत कम अप्लाई हो रहे हैं, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करो, बाकी एग्ज़ाम हो सकता है आपको जून तक हो जाए, ठीक है। बाकी कुछ पूछना तो आप लोग कॉमेंट में पूछना। बाकी PDF वगैरह की बात करें तो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।